अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का वाला कुक शुरू करते हैं। तो आज चलते हैं सबसे पहले खरगोशों की तरफ। तो एक रैबिट यहाँ बैठे हुए और बाकी एक दो तीन चार पांच यहाँ बैठे हुए। तो इन्होंने अपनी जो रहने वाली जगह है वो चेंज कर ली है। पहले नीचे इनको रखा होता था लेकिन अब ज़्यादा टाइम इस टैंकी के पास होते हैं क्योंकि टैंकी से थोड़ा थोड़ा पानी शायद लीक होते हैं, तो ये जगह इनके लिए ठंडी रहती है। जैसे कि अभी बाकी चले गए, दूसरे भी चले गए, तीसरे भी आ रहे हैं। ये तो अभी वहाँ पर कोने पर रहते हैं ज़्यादातर, ये जगह ठंडी है इसलिए। और बाकी जल्द ये बच भी देने वाले हैं, तो उम्मीद तो है ईद के एक दो दिन बाद तक बच देंगे। तो देखते हैं कि कितने बच्चे देते हैं। वैसे नॉर्मली तो ये 5 से 7 बच्चे देते हैं लेकिन देखते हैं कितने बच्चे देंगे। और बाकी जो हमने ये टमाटर के पौधों को लगाया था नीचे करके, तो ये अच्छे से लग चुके हैं, ख़राब नहीं हुए, वरना तो अक्सर ख़राब हो जाते हैं लेकिन ख़राब नहीं हुए और अच्छी तरह से लगी हुई। तो गाइस हमें पता चला है कि जो हमने तीतर के अंडे मुर्गी के नीचे रखे हुए थे उसमें से बच्चे निकलना शुरू हो गए हैं। तो चल के देखते हैं कि कितने बच्चे निकले और कितने अभी नहीं निकले। तो चलते हैं उधर ही। तीतर ने एक बार बैठा हुआ दो निकले में नहीं त्रै। अच्छा जी जी भाई थले लता हुआ दो तीन तीतर के बच्चे हैं और बाकी 4-5 मुर्गी के बच्चे हैं। दो त्रै बार नजर आने वाले बाकी अंदर शायद चुप जी जी ये तीतर का बच्चा है, ये दूसरे भी तीतर बच्चे और एक इसके नीचे तीतर का बच्चे। ये पानी साइड तरफ पे आवा अच्छा थोड़ा आगे पे हम एटा तरफ छोड़ो कह रही नहीं हिलाओ मेरे को, नहीं हिलाओ यार छोड़ दो मेरे को। ना हिला ना छोड़ दे ना, उसका मूड नहीं है जी एकदम। दाने खाने पे जी ये मुर्गी है, इसके भी 6 बच्चे हैं और दूसरी जो है वो उसके 4 बच्चे मुर्गी के और 3 बच्चे तीतर के जो इसने निकाल लें। बाकी अभी 10-12 अंडे पड़े हैं इसके, जो कि जल्दी उम्मीद तो है उसमें से बच्चे निकलेंगे। एक वो नज़र आ रहा है छोटा सा चुटकू सा उधर पड़ा है और दो ये तेज़ी तेज़ी से घूम रहे हैं कि एक ये और अगर आपको दिख दो ये हैं, ये दोनों तेज हैं अभी होते पकते हैं इधर उधर।
ये जी तीतर का एक बच्चा है। तो अभी हम खरगोशों के लिए ज्वार काटने लगे हैं और चलते हैं थोड़ी सी, ये वाले ज्वार जो है ये काटते हैं थोड़ी सी। दिए मुर्गी ने दिए और मुर्गी के अपने तीन चार चूजे भी निकले हैं और तीतर के तीन निकले हैं। बाकी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग मेरा चेहरे से देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। और ये खरगोशों के लिए घास लेके जा रहा हूँ जो कि वो कुछ खाते हैं। और जी दो खरगोश इधर बैठे हैं और बाकी चार उधर बैठे हैं इसके पीछे। तो ये भी आगे की क्या चीज़ लाए हो मेरे लिए, तो इनको देते हैं। Oh,